हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। एसवाईएल ने लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच में कई साल से तनातनी जारी से हरियाणा वाले कहने लग रहे से कि हमारा जो पानी है पंजाब ने जरूर देना चाहिए और पंजाब वाले नु कहने लग रहे से है कि जो हरियाणा का जो पानी से उसमें उनके जो बात कही से कि नया पैतरा शाम आया से पंजाब सरकार ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक करके एक प्रस्ताव पास कराया से जिसमें हरियाणा ने पानी नहीं देने का फैसला लिया गया से। पंजाब के सीएम ने कहा से कि पंजाब का दौरा पहले है पानी की कमी से, इसमें हरियाणा ने पानी दे देंगे तो उनका दौरा पानी कम रह जाएगा। पंजाब के इस कदम के बाद एक बार फिर तय एसवाईएल जो विवाद से वो और घना गहमा गहमी में डूब सके से। आज जो जैसे तुम्हें पता है साढ़े पानी का मसला ओदे ते साड़ी ऑल पार्टी मीटिंग हुई सी और मैनू बड़ी खुशी है हुंदी है कहंदे कि टोटली यूनैनिमस फैसला होया इस इशू ते एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जो मैं तुम्हें पढ़ के सुना देना। डेढ़ महीने तक लेकर सीमन वरलाल और गृह मंत्री अनिल विज के बीच में सीआईडी विभाग ने लेकर तनातनी जारी थी और बुधवार ने यह जो तनातनी है कितना कितने खत्म मानी जाते सीआईडी विभाग जो से इवन्यू के आ गया से कि यो सीएम मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल का दौरा रहेगा और अनिल विज की ओर से भी नू के आ गया से कि सीएम में सर्वे सर्वा है वो जिसना चाहवा उसने विभाग दे सके से। देखो सीआईडी पे सस्पेंस और असमंजस की स्थिति में विराम लग गया। विवाद की स्थिति तय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बाहर हो गए से जाते सीआईडी विभाग किसका दौरा रहेगा जो नोटिफिकेशन आ गया से। नए आदेश के तहत सीआईडी विभाग ने पूरे ढाला तो सीएम के हाथा में सौंप दिया गया से। राज्यपाल के आदेश के बाद यू साफ हो गया से कि गृह मंत्री अनिल विज सिर्फ गृह मंत्रालय संभालेंगे। सीआईडी पर राजभवन का आदेश जारी होने के बाद गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी आया से अनू कहा से कि सीआईडी किसे का दौरा रहे मन कोई दिक्कत को ना और ना ही मन कदे किसे का विरोध कराया यार, लेकिन इतना जरूर कहा से कि गृह मंत्री होने के नाते सीआईडी मन ब्रीफिंग दे। मैंने तो हमेशा कहा है मुख्यमंत्री जी सुप्रीम है, वो जिसको चाहे जो विभाग दे सकते हैं। मैंने तो कभी इतराज नहीं किया, मेरी तो केवल इतनी बात थी कि जब तक मैं गृह मंत्री हूँ तो सीआईडी डिपार्टमेंट मुझे ब्रीफिंग करे और कल से उन्होंने करनी शुरू कर दी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ब्रीफिंग शुरू कर दी तो वो सफिशियंट है सर, है किसी के पास मेरा कभी ये क्वेश्चन नहीं था, हाईकमांड किसी के पास रहे, मुख्यमंत्री सुप्रीम है। मैंने हमेशा कहा है आप मेरे सारे बयान उठाकर देख लो, मैंने हमेशा ये बात कही है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम है, वो जब चाहे किसी को डिपार्टमेंट दे सकते हैं, जब चाहे ले सकते हैं। सर तो वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए आदेश पे अपने अंदाज में चुटकी ली। मैंने कहा था मतलब मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनने कहा भाई गृह विभाग बगैर सीआईडी के इसका तो ऐसा ही है जैसे उसकी आंख कान ही नहीं है, तो जिस विभाग की आंख कान नहीं कैसे चले। राज्यपाल के आदेश से सीआईडी पर स्थिति तो साफ होगी से, लेकिन यो विवाद भी जारी से। अरे एक तरह से यू हालांकि थम भी गया से, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं से। जाते अनिल विज हमेशा ही सीआईडी ने गृह मंत्रालय का विभाग बताते रहे हैं, गृह मंत्रालय का हिस्सा मानते रहे से। विज आड़ता ही भी कह चुके से सीआईडी विभाग किससे का भी दौरा रहे जब तक मैं गृह मंत्री सू रिपोर्टिंग मेरे तय करनी पड़ेगी। आखिर सीआईडी ने लेकर सरकार में तनातनी की नौबत आई क्यों से। दरअसल गृह मंत्री के नाते अनिल विज ने सीआईडी प्रमुख से वह रिपोर्ट तलब कर ली थी जो विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की स्थिति के आधार पर तैयार करी गई थी। काफी दिन आते जब रिपोर्ट नहीं आई थी तो विज ने स्पष्टीकरण मांग लिया। रिपोर्ट मिलने के अगले दिन विज ने उन लोगों की सूची भी तलब कर ली जिनके फोन टैप करे गए थे। इस रिपोर्ट की मांगने पर सरकार में हड़कंप मच गया जिसे सीआईडी ने लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच विवाद बताया जा रहा है। आखिर उस विभाग का काम किस है, आओ आपने बतावा।
दरअसल सीआईडी यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यो खुफिया या फिर गुप्तचर विभाग के नाम से जाना जा सके। सीआईडी का काम जानकारी इकट्ठी करना, जांच करना और रिपोर्ट तैयार करना से। सीआईडी विभाग अंतर्राज्यीय अंतर जिला गतिविधि की जांच करे से, साइबर अपराध और गंभीर अपराधा की भी जांच करे से। इब जब सीआईडी ने गृह विभाग तय अलग करण का फरमान जारी हो गया से, तो इब के की मकई आ जा सके से। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में सब ऑल इज वेली होगा अकनी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा से, उन्होंने कहा कि किसान दुखी से। इनके गेलिया किसान धान और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की जो फसल से ओलावृष्टि से डूबगी, उन्हें घना नुकसान हो गया और सरकार ने उनकी गिरदावरी करवाकर उनका आकलन करना चाहिए, उचित मुआवजा देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि गन्ने के रेट भी बढ़ाए जाने चाहिए और जो बकाया पेमेंट सेवा भी उनकी दी जानी चाहिए। तो वही कानून व्यवस्था पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। नशे के मामले में तो हरियाणा पंजाब तक भी आग लकड़ गया। अरीब उड़ता पंजाब री बल्कि उड़ता हरियाणा हो रहा है। उनसे पूछो, मैंने कहा क्रिपल्ड गवर्नमेंट है तो बदलाबंदी सरकार है, ये कोई बात है? काम क्या करना है? और जनहित का तो काम है नहीं, अधिकारियों की बदली करें, अधिकारियों की बदली करेंगे और क्या करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारे, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार को। गन्ने का रेट जो है, देखिए 1966 में ये 95 रुपए था, हमारे टाइम में हमने 310 किया, अब इसका रेट कम से कम जो है 380 होना चाहिए। हाँ, धान का घोटाला जो है पिछले 3 साल से हम आवाज उठाते रहे और अब के घोटाला कोई 50-100 करोड़ का नहीं है, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। और असली जो नुकसान हुआ है वो किसान का हुआ है, मेरा किसान का ऐसे हुआ कि MSP भी उसको नहीं मिली और जब खरीद हुई मजबूरी में उसको सस्ता बेचना पड़ा, कभी नमी के नाम पर, मतलब प्रति जो आपका क्विंटल 250 से 300 रुपए कम बेचा। अब उस किसान का घाटा कौन पूरा करेगा? इस सरकार को चाहिए किसान का घाटा पूरा करे, इस घोटाले की जांच CBI से कराए, नशाखोरी जिससे हम बचे हुए थे तो हमारे पड़ोसी प्रदेश में जिस प्रकार से थी, उस पर नशाखोरी पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा इनका, नहीं हमारी जनरेशन जो है। और पानीपत में मंडल अध्यक्षा की बैठक लेने खातर राज्य मंत्री कमलेश डांडा पहुंचे। उन्होंने ने सीआईडी विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमलेश डांडा ने कहा है कि सीएम का अधिकार है कि भाई किसने कौन सा विभाग देवेंगे, उन्होंने भी कहा है कि सीआईडी पर तो कोई विवाद को नहीं। देखिए कोई मुद्दा नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है और ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी सरकार की कॉपियाँ तो बिल्कुल सब ठीक है, इसमें मैं कुछ और महिला सुरक्षा ने लेकर एक बार फिरते हैं जो सवाल से वो उठने लगे। सर आपने नू बता दें कि रेवाड़ी के एक गांव की पंचायत ने नू फैसला लिया से, उनके गांव के जो छात्रा से वो पड़ोसी गांव में पढ़ने खातर नहीं जावेंगी। देखो यह रिपोर्ट। रेवाड़ी जिले के राजावास गांव की पंचायत ने फैसला कराया है
अकबर अपने गांव की छात्राओं नहीं बे स्कूल में नहीं भेजेंगे। यो फैसला पंचायत ने ज्यादा कराया है जब राजावास की छात्राएं पड़ोस के गांव मस्तापुर में बने सरकारी स्कूल में पढ़न जावत है। जड़े राम में कुछ मन चले उन पर फबतियाँ कसें से और उनकी गिल्लिया छेड़छाड़ करे से। इस मामले में छात्राओं का न्यू कहना है अक उनने अपनी गिल्लिया होने वाली अभद्रता की शिकायत कई बार प्रिंसिपल से भी करी है लेकिन उन बच्चियों की कोई सुनवाई को न हुई है। हम जब छुट्टी होती है हमारी तो मतलब कि बाइक पे बच्चे आके हमारे साथ बदतमीजी करते हैं हर्ट करते हैं या चीट करते हैं मतलब कि और हम लोगों की कई बात थी जो हम लोगों ने घर पे नहीं बताई। दरअसल हम ही सोचे भाई अपने आप शायद सुधर जाए हम लोगों ने भी उन्हें डांटा था फिर भी कुछ नहीं हो पाया। सर हम जैसे आते हैं मस्तापुर से या फिर जाते हैं मैं प्लस टू साइंस में अकेली हूँ एक्स्ट्रा में भी जाती हूँ बदतमीजी करते हैं अपने फ्रेंड के थ्रू अड्डे पे खड़े होके हम पे कॉमेंट पास करते हैं। इस मामले में प्रिंसिपल ने क्या कहा वो भी आपने सुना दिया। नहीं मेरे पास कहाँ कंप्लेंट की पूरी पंचायत हो रही है गांव में। नहीं वो पंचायत तो कल की है ना कल ही पंचायत की है इन्होंने बच्चे नहीं भेजे ऐसा है हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोई जबरदस्ती कटवाए तो कटवाए। छात्राओं के परिजना ने ग्राम पंचायत से इस बारे में बताया जिसके बाद राजावास की पंचायत के लोग मस्तापुर के सरपंच से मिले और उनके मामले की जानकारी दी। हमारे बच्चियां 35-40 हैं जो मस्तापुर स्कूल के अंदर जाती हैं रास्ते में शरारती तत्व छिट्टा कसी कर रही थी। हालांकि मामला बढ़ता देख के मस्तापुर के सरपंच ने न्यू कयास है अक मामला उनके संज्ञान में आया है जिससे उन आरोपी युवाओं के खिलाफ कार्रवाई में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। इस मामले ने लेकर छात्राओं के परिजना ने जिला शिक्षा अधिकारी से भी मुलाकात करी उन आश्वासन दिया है अक छात्राओं की खातिर निजी स्कूल बस का इंतजाम कराया जाएगा और पुलिस की तैनाती करी जाएगी। हालांकि देखना न्यू भी होगा कि मंचला पर पुलिस की कार्रवाई कर पावस है या फिर नहीं। हरियाणा न्यूज खातर रेवाड़ी तक प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट है। तो फिलहाल टाइम हो गया से एक छोटे से ब्रेक का तावड़े वापस आवांगे बाट देखियो। ब्रेक के बाद आप सारे का स्वागत है। तो चलो बड़ा खबर की ओर खबर से बल्लभगढ़ तक जिड़े किलोमीटर स्कीम के तहत बल्लभगढ़ बस स्टैंड था दो बस जो है वह हरी झंडी दिखाकर रवाना करी गई। बस आते ही जिला उपायुक्त यशपाल सिंह यादव और एसडीएम त्रिलोक चंद्र ने हरी झंडी दिखाई। जिला उपायुक्त ने न्यू बताया है करीब 35 बस जो है फरीदाबाद तक किलोमीटर स्कीम के तहत चलाई जानी है लेकिन इब दो ही बस तैयार हुई है जिन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना कराया गया है। उन्हें न्यू भी दावा कराया है कि इससे लोगों ने घना लाभ मिलेगा और रोडवेज भी घाटे तबाह आ जाएगा। शुरुआत हो गई है दो बसेस तैयार हो गई थी उनको आज से हरी झंडी दिखा दी है बाकी बसेस जैसे जैसे तैयार होती जाएंगी वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होती चली जाएंगी। कितनी बसें सर चलाई जाएंगी फरीदाबाद से और आज ये दो कहां के लिए रवाना की गई है? देखिए डेस्टिनेशन तो आप लोग भी देख रहे हैं मेरा काम इनको हरी झंडी दिखा के रवाना करना था और 35 बसेस ये बताई गई हैं कि यहां पर ऐड होंगी इसके अंदर दो बसेस आज आ गई हैं बाकी टाइम के साथ में ऐड होती रहेंगी। और फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में कई महीना तक जो से आधार कार्ड पंजीकरण का जो काम से रुकया हो था और जिसकी वजह से नवजात बालिका की गिल्ले गिले उनके परिजन ने भी घनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन ईबीआ सेवा फिर तो शुरू होगी। आधार का पंजीकरण देश में नवजात बालिका खाता अनिवार्य है इसके बिना अस्पताल में पैदा होने वाले बालका का ही रिसीव नहीं कराया जाएगा और इसी के चलते लोगों ने दिक्कत हो रही थी। वही सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंद्र सागू ने बताया है आईडी कार्ड टोहाना में नहीं बन रहे थे इसकी आईडी ब्लॉक होगी जिसकी वजह से लोग घने परेशान हो रहे थे लेकिन ये भी आज दोबारा शुरू करी गई है। इसके साथ ही नुकसान ऐसे कि लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। आधार कार्ड यहाँ पर बन रहे थे उनकी जो आईडी थी वो ब्लॉक हो गई थी लगभग 3 महीने पहले तो हमें मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा लेकिन कल से हमने दोबारा से आरम्भ हो चुकी है वो आईडी जो ब्लॉक थी उसको ठीक करा दी गई है दोबारा से चालू हो गई। न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनका आधार कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है उसके बिना नहीं होता तो छोटे बच्चे थे उनको बाहर भेजना पड़ता था आधार कार्ड बनाने के लिए तो मरीजों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था तो
तो इसलिए अब जो जितने भी यहाँ पर न्यू बॉर्न्स हैं उनका आधार कार्ड यहीं बनने शुरू हो गए। फतेहाबाद के सिविल अस्पताल में जो नए कर्मचारी हैं उनकी भर्ती करी जानी थी और जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी थे वे नौकरी तक निकाल दिए गए थे, लेकिन ईव जो कर्मचारी नौकरी तक निकाले गए थे उनने लेकर एक नई बड़ी खबर सामने आई से हाईकोर्ट ने कहा है अब जो पुराने कर्मचारी जो काट थे उड़े थे उनकी दोबारा नियुक्ति हो सके से और इन कर्मचारियों की संख्या 30 है। देखो रिपोर्ट। नागरिक अस्पताल में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियां थे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। दरअसल नागरिक अस्पताल में ठेके पर कर्मचारियों ने भर्ती करने खातर एजेंसी बदली थी। नई एजेंसी आंदे पुरानी एजेंसी के कर्मचारी हटा दिए और नई एजेंसी ने अपने कर्मचारी नियुक्त करे थे। 1 जुलाई 2019 ने नई एजेंसी ने 52 कर्मचारियों तक बाहर का राह दिखा दिया था, जिसके बाद ये कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने लाग रहे थे। इस मामले में हाई कोर्ट ने हटाए गए 30 कर्मचारियों से दोबारा राखण के अंतरिम आदेश दिए थे, जिसके बाद इन कर्मचारियों ने थोड़ी राहत मिली है। जुलाई में टेंडर हुआ था तो उसके बाद ये जैसे इनके पास टेंडर आया तो इन्होंने पुराने कर्मचारियों को हटा दिया। हटाने के खिलाफ हमने हाई कोर्ट में लगाया तो वहाँ से अब हमारा केस जो इंट्रीम ऑर्डर है हमारा वो हुआ है कि इनको अब हटा नहीं सकते, उस पोस्ट पे ज्वाइन करवाया जाए। एक और जड़े कर्मचारियों ने कोर्ट के फैसले से राहत मिली से तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन की मुश्किल भी बढ़ेगी से। अस्पताल के सामने परेशानी से कि भी इन 30 कर्मचारियों ने कित जगह दी जा, पहले एक कर्मचारी और गणे रखे जा रहे थे, इब अगर इन कर्मचारियों ने ड्यूटी पे नहीं रखा गया तो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये 30 कर्मचारी तब तक अपनी ड्यूटी देवेंगे जब तक कोर्ट नया आदेश नहीं देता। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च न होगी। इस मामले में अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गिरीश पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि निकाले गए कर्मचारियों ने दोबारा नियुक्ति के हफ्ते फतेहाबाद के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गिरीश से भी मुलाकात करी थी और उन पर आरोप न्यूज है अकुन नियुक्ति खातर पैसा की मांग करी थी। बहरहाल एक लंबे इंतजार के बाद फैसला कर्मचारियों के समर्थन में आया है, जिस पर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट के फैसले का तहे दिल से स्वागत करा है। हरियाणा न्यूज खातर फतेहाबाद सतवीर लंबोरिया की रिपोर्ट से आया। तो फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से जानते जानते हम आपने एक सवाल बताने लग रहे थे जिसका जवाब भी आप लोगों तक मांगने लग रहे थे। सवाल बता दें क्या पंजाब में सियासत के चलते हरियाणा को एसवाईएल का हक नहीं मिल पा रहा है? हां के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिएगा। और हमारा जो नंबर है आपको बता देते हैं 8743010009 और आप हमें अपना जवाब जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना अहम जवाब जो है हम तक इस नंबर के जरिए पहुंचा सकते हैं।